नमस्कार सर, रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मिस नेहा भारती आपके साथ। गया जिले से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी के द्वारा शादी का झांसा दे करके महिला के साथ, प्रेमिका महिला के साथ 2 सालों तक यौन शोषण किया गया। जी हां, आपको बता दें कि प्रेमिका न्याय की गुहार लगाने कानपुर से चलकर SSP कार्यालय गया पहुंच गई है। प्रेमिका का कहना है कि कई बार शादी करने के लिए कहने पर प्रेमी के द्वारा बातों को टाल मटोल दिया जाता था और शादी जल्द करेंगे इसका झूठा दिलासा दिलाकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। अब प्रेमिका को छोड़ प्रेमी फरार हो गया है। तो अब पीड़िता महिला कानपुर से चलकर न्याय की गुहार लगाने गया SSP कार्यालय पहुंच गई है। दरअसल लड़का गया जिले के परैया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि पीड़िता प्रेमिका कानपुर की रहने वाली है। मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़िता प्रेमिका ने बताया कि 2 साल पहले योगेश कुमार ने मेरे साथ प्रेम प्रसंग में गलत काम किया। जब उससे शादी की बात की तो एक दिन योगेश मंदिर में ले जाकर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और कहने लगा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। पीड़िता ने बताया कि योगेश रेलवे TT के पद पर कानपुर में पोस्टेड था। हम लोग 2 वर्षों तक पति पत्नी की तरह रह रहे थे। 1 महीने पहले जुलाई में मेरे साथ मारपीट कर योगेश कानपुर से ट्रांसफ़र करवा लिया और गया आ गया और दूसरी शादी करने के फिराक में है। मैं कानपुर प्रशासन की मदद से योगेश के घर पहुंची हूं, लेकिन यहां योगेश नहीं मिला। न्याय की गुहार लेकर के SSP कार्यालय गया पहुंची हूं। आगे युवती ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि प्रेमी योगेश किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि योगेश का भाई मुझे धमकी दे रहा है कि तुम्हारा रेप कर दूंगा अगर शादी में टांग अड़ाई तो। आप सुनिए क्या कुछ कह रही है पीड़िता महिला। घटना हुई थी, योगेश कुमार जो कि ग्राम मंझार गया के रहने वाले हैं, उनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तो उन्होंने मेरे से नंबर एक्सचेंज किया, नंबर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत से प्यार भरी बातें, मेरे घर पे भी आए, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा कि मेरे फादर भी रेलवे में थे, रिटायर हो गए जो भी, तो हम दोनों रेलवे से हैं, अच्छा रिश्ता बनेगा, ऐसे ऐसे करके बातें करी। बहुत सी बातें जो कि मैं प्रूफ कर सकती हूँ बातें करी। उन्होंने मुझे कानपुर बुलाया, कानपुर से वो विंध्याचल लेके गए, वहाँ पर भी उन्होंने मांग भरी और रूम बुक करके उन्होंने मेरा जबरन शोषण किया। उसके बाद सर वो वैष्णो देवी लेके गए, वहाँ पे भी उन्होंने जबरन शोषण किया, नेचुरली अननेचुरली दोनों तरफ से सेक्स किया। मना करने पे उन्होंने मेरा हाथ भी चलाया, बहुत मारपीट करी, जिसके मेरे पास एविडेंस भी हैं। और उसके बाद कानपुर में 2 साल से मुझे रख के शादी का झांसा देते हुए मना कर दिया। 17 तारीख को मुझसे बोले, 17 जुलाई, कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हम तुमसे अब शादी नहीं करेंगे। मुझे 12 लाख रुपये दहेज मिल रहा है और उसका भाई मुझे फ़ोन कर करके धमकी दे रहा है अब कि तेरे अंदर रॉड डाल देंगे, हम तेरा ये कर देंगे, हम तेरा वो कर देंगे। अच्छा, उनसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? नवंबर 2019। कहाँ हुई थी? कानपुर में, कानपुर सेंट्रल उचाहा एक्सप्रेस में। मैं कानपुर से दिल्ली जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय क्या ये बोलना था, क्या बोल करके आपसे ये मतलब प्यार किया? शादी का प्रस्ताव रखा था उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो कितने दिन आप दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चला? 2 साल से ऊपर चला। अभी क्या परेशानी हो रही है आपकी? अभी वो शादी करने से इनकार कर रहा है और हम शादी नहीं करेंगे। अब उसे दहेज मिल रहा है, मेरे फादर ने दहेज नहीं दिया और उसे दहेज चाहिए। अब उसका मेन मोटिव यही है कि दहेज चाहिए। तो क्या वो दूसरी जगह शादी कर रहा है? हाँ, वो दूसरी जगह शादी कर रहा है। तो क्या नवंबर में शादी तय हो चुकी? तो क्या चाहती हैं आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए। और जैसे उसने मेरे साथ करा, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाहती। अभी आप कहाँ आए हुए थे? मैं यहाँ पे गया में ही आई थी। सर के पास आई। सर ने भी कोई अच्छा जवाब नहीं, अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, जिस रिस्पांस के लिए मुझे यहाँ पे आना था। मैं तो बाहर से आई हूँ, मुझे अगर पुलिस ही प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर मुझे फिर क्या फ़ायदा? आश्वासन क्या मिला अंदर? उन्होंने बोला कि आप परैया जाइए, परैया थाना जाइए, वहाँ पे ही होगा। मैंने बोला मैं उनके घर जाना चाहती हूँ, मुझे उनसे मिलना है, वहाँ की जनता से भी मिलना है। तो उन्होंने बोला हाँ जाइए, मेरे से अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उन्होंने बोला कि आप थाने में जाके मिलिए पहले। थाने में क्या मतलब, एक यहाँ पे SSP वो बैठते हैं, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है मेरा केस कानपुर का है तो मतलब कानपुर ही पूरी रिस्पॉन्सिबल है। रहने वाला वो बंदा तो यहाँ का है, यहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उसका भाई तो यहाँ रहता है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सुवर्णा बनर्जी। क्या करती हैं मैम? फिलहाल मैं हाउस वाइफ हूँ, पहले मैं एम्स हॉस्पिटल में HR डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। ओके। जो है, जो थाना है, जो आईओ है, वो आएंगे?
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।